हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ पे खैरियत से हैं। चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी किमामी सिमेही, जिसकी रेसिपी आप लोगों को दिखाते हैं अभी। इंशाल्लाह बनाते हुए देखिए, आप लोग भी बना के खाइएगा अपने यहाँ। तो ये देखिए, ये हमने भगोना चढ़ा दिया है अपनी गैस पर। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है और उसमें हमने घी डाल दिया है। घी करीब हमने एक चम्मच डाला है, जो जिससे खाना बनाते हैं बड़ा वाला, वो चम्मच घी है ये। उसके लिए हमने छोटी इलायची निकाल रखी है। भगोने का साइज़ जो मेरे हैं वो बड़ा है, करीब 4-5 लीटर इसमें बन जाता है। तो इसमें हम करीब 2 लीटर, मतलब 1 लीटर दूध डालेंगे, 1 किलो सिमही है और 1 ही किलो, 2 किलो करीब शक्कर पड़ जाएगी। तो ये 2-3 किलो का हो जाएगा सारा, जिसके लिए हमने ये छोटी इलायची ली है। ये काजू है और बादाम है, हमने इनको भिगो के थोड़ा सा और साफ करके काट लिया है। ये गरी है, इसमें किशमिश है, वो है बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो लोग मना करते रहती हैं, तो इसलिए हम कम ही यूज़ करते हैं ज़रा। और ये देखिए, ये सिमही है, ये बनारसी सिमही है। ये हमारे यहाँ बनारस से आती है या फिर कानपुर से आता है माल। ये देखिए, ये बनारसी सिमही है, इसको बनाएंगे। जिसके लिए हमने ये दूध ले रखा है, ये दूध है। अब इसको हम पहले गरी को इसमें फ्राई कर लेंगे। कल मेरे हाथ में चोट लग गई है, मेरा हाथ कट गया है, उंगलियां कट गई हैं, तो कुछ काम कर रहे थे उसकी वजह से। तो ये मेरे पट्टियां कर रखी हैं घर में ही, एक बैंडेज लगा रखा है, काफी चोट आ गई थी। तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस लाइट ब्राउन। ये देखिए, अब हम इसमें छोटी इलायची डाल लें, हल्का सा इनको हमने वो कर दिया, तोड़ दिए, क्योंकि पकती है ना बाद में घी में डालने के बाद। डायरेक्ट हम दूध इसी में खोल लेते हैं, पहले इसका किमाम बनाएंगे। तो ये देखिए, इसमें हमने और दूध खोल दिए, करीब 4 पैकेट डाल दिए हैं, आधा आधा लीटर को, मतलब 2 लीटर दूध हो गया। और ये शक्कर डालना है, ये हमारा इसमें 1 kg आती है, तो ये डाल दिया, अभी और निकाल के डालना है। ये बड़े डिब्बे से निकाल देते हैं और इसको ऐसे करके डाल देते हैं, तो थोड़ा सा अंदाज सही रहता है। आप लोग भी नाप के डालिएगा, या तो फिर अपना जैसे भी अंदाज जिसका जैसा हो वैसे डालें, लेकिन 2 किलो शक्कर पड़ेगी। ये देखो, 2 किलो डाल दी है, डिब्बा हमने पूरा नहीं भरा था, इसलिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाले दे रहे हैं। छोटा ग्लास है बच्चों वाला जो आता है ना, वो उसको हम चलाते रहेंगे, कंटिन्यू नहीं चलाना है। और इसमें हम ये भी डाल देंगे, जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करा था, सिर्फ गरी फ्राई करी है और किशमिश,
मखाने, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं अपना अपनी पसंद के हिसाब से डालिए, जितना जिसको ड्राई फ्रूट्स पसंद है। हमारे बच्चे नहीं लाइक करते हैं इसलिए हम कम डालते हैं, बस काजू बादाम और दही, मखाने, किशमिश। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ डाल दीजिए तो अच्छा भी नहीं लगता है फिर। अब इसको पकाते रहेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर इसका किमाम बनाना है इसलिए हमें, जब किमाम इसका हो जाएगा एक तार का दो तार का, फिर आगे हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। ये देखिए अब ये हमारा खोलने लग गया है, पक रहा है खूब खोल खोल के। और ये खोया है, ये खोया भी एक किलो से ज़्यादा, करीब दो किलो था, तो थोड़ा हम लोगों ने गर्म यूज़ कर लिया है, अब ये डेढ़ किलो बचा है, इसको भी डालेंगे इसमें अभी। और ये सिमई हमने इसको निकाल के डिब्बे से रख लिए है, थोड़ी सी तोड़ करके बनाने में आसानी रहती है। देखिए ये खोया हमने थोड़ा सा इसको मसल लिया है, ऐसे हाथ से तोड़ लिया है, और इसको पहले ही डाल देंगे हम, ऊपर से नहीं डालते कि इसको भी पकना चाहिए। ये ठंडा हो करके अपने आप शो करने लगता है कि खोया पड़ा हुआ है, वैसे भी हमें बताना दिखाना नहीं है कि हम खोया ज़रूर यूज़ करते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, अब किसे है तो डालना है। तो खोया हम कानपुर से मंगाते हैं, यहाँ दिल्ली का नहीं यूज़ करते हैं। और ये जब पक जाता है ये पूरी अच्छे से उसमें मैश हो जाता है सिमई के साथ में, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए ये पक रहा है हमारा, ये करीब करीब तैयार हो गया है किमाम। अब किमाम ही सिमई बनाते हैं, ये हमारी बहुत यहाँ पर पसंद करी जाती है, बहुत लोगों की डिमांड थी कि हमको आप ये इसका वीडियो डालिए किमाम सिमई का। एक्चुअली दिल्ली में किमाम सिमई का कम क्रेज़ है, बनती कम है यहाँ पे, यहाँ पर शीर कोरमा बनता है जो दूध में बनती है, उसको शीर कोरमा बोलते हैं, वो यहाँ ज़्यादा बनाई खाई जाती है इधर के लोग। और ये हम लोग क्या यूपी लखनऊ कानपुर का ये टेस्ट है। आप देखिए इसमें हमने सिमई डाल दी है, बस किमाम का भी आपको आइडिया सही रखना पड़ेगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो सिमई गलेगी नहीं, लूज रहेगा तो सिमई आपकी एकदम घुल जाएगी उसमें, क्योंकि ये बनारसी सिमई है, बहुत महीन होती है, इसको बनाना संभालना भी थोड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए, और गाइस आप लोग ये नहीं सोचेगा कि बगैर खोए के सिमई नहीं बनती है, खोया नहीं भी होता है हम तब भी बनाते हैं। किसी दिन नॉर्मल सिमई की भी शेयर कर देंगे, मतलब विदाउट खोए के किमामी सिमई बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वो भी दिखा देंगे आप लोगों को। ये देखिए अब ये 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक इसको हम पकने देंगे थोड़ा सा ढक्कन लगा करके। गैस स्लो कर देंगे, सिम पे कर दिए, ये 10 मिनट तक पक जाएगी, उसके बाद में इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें। ये इलायची पाउडर हम अपना घर में तैयार कर लेते हैं, मिक्सर में पीस के रख लेते हैं। ये केवड़ा है, इसको भी डाल देंगे, वो भी हम सब दिखाते रहेंगे आपको अभी। रू केवड़ा, ये देखिए गाइस, ये हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं, 10 मिनट हो गए हमारे। ये देखिए इसका एकदम सब चेंज हो गया है माशाल्लाह से, देखने ही में पता चलता होगा कि क्या चीज़ बनी है, बहुत टेस्टी बनी है माशाल्लाह से। अब इसको हम ये गैस बंद कर देंगे, बिल्कुल ऑफ कर दिए। अब इसमें हम केवड़ा डाल देंगे, दो तीन ढक्कन डाल देंगे। और इसमें आप लोग, हाँ आप लोग कलर्स भी डाल सकते हैं, जो फूड कलर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों को ऑरेंज कलर पसंद होता है तो वो भी डाल सकते हैं जब किमाम बनाएंगे उसमें। हम ऐसे ही बनाते हैं सादी। ये देखिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, अब इसको आप लोग पकाइए अपने घर में, खाइए और फिर बताइए आप हमको, लोग हमको कमेंट ज़रूर करा करिए ये कैसी लगी हमारी वीडियो। इंशाल्लाह हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, माशाल्लाह से बेहतर है हमारा, चल रहा है ठीक है, लोग कर भी रहे हैं। अब ये देखिए हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं,
अब ये थोड़ी देर में ठंडी होगी तो ये थोड़ी और टाइट हो जाएगी, टाइट मतलब बंद जाएगी, जैसे थोड़ी लूज लग रही है अभी, लेकिन हल्की सी शीरई जैसा रहेगा, बहुत हल्की सी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वीट डिश तैयार करी है हमने सिवई की। इसकी बहुत लोगों की फरमाइश थी, आज हमने तैयार कर दिया है। आप लोग पकाइए, खाइए, खिलाइए लोगों को, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद करी जाएगी। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।